गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ मोटर्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन। किसी भी मोटर को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करते हुए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें मोटर का स्वीट टॉक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, जिससे कि हम मोटर की रिक्वायरमेंट क्या है या हमारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर मोटर को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए सिलेक्ट कर सकें। पावर फैक्टर जिसमें मोटर ऑपरेट हो रही है वो हमें पता होना चाहिए। मोटर की स्पीड हमें पता होना चाहिए कि मोटर जो है कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है या वेरिएबल स्पीड मोटर है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट हमें पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम वेरियस एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मोटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं दिया गया है वेरियस मोटर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम लेते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर में सबसे पहले लेंगे सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत हाई होता है। इट इज़ अबाउट 3 times द फुल लोड टॉर्क। टॉर्क जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, और ये वेरिएबल स्पीड मोटर होती है। तो प्लस इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम है और रिलेटिव कॉस्ट 1.5 times अदर मोटर्स है। तो इनको जनरली जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम डीसी सीरीज़ मोटर को काम में लेते हैं। यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशंस दिए गए हैं डीसी सीरीज मोटर्स के, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक रेलवेज, रोलिंग मिल्स, मेटलर्जी वर्क्स, माइन, हॉइस्ट्स, कंटिन्यूस कन्वेयर्स, क्रेन्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आती है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जो है ये नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है और टॉर्क इसमें जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो इसका जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो कॉन्स्टेंट स्पीड है नियर अबाउट, और टॉर्क इसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू सीरीज मोटर। तो ये मोटर हमें जनरली जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए और जहाँ पे लो टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम शंट मोटर को काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लाइन शाफ्ट्स, लेथ्स, वैक्यूम क्लीनर्स, प्रेशर ब्लोअर्स, रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स, वुड वर्किंग मशीन सच एज सॉज, वुड प्लानर्स, मिलिंग मशीन्स एट्सेट्रा। इन एप्लीकेशंस के लिए हम शंट मोटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इसके कैरेक्टरिस्टिक समवॉट सीरीज मोटर के सिमिलर होते हैं। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और वेरिंग स्पीड मोटर है ये, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है प्लस रिलेटिव कॉस्ट अदर मोटर्स के कंपैरिजन में इसका 1.5 times है। तो इनको जनरली हम जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ड्राइविंग कंप्रेसर्स, स्टैम्पिंग मशीन्स, प्रेशर ब्लोअर्स, वेरिएबल हेड सेंट्रिफ्यूगल पंप्स एट्सेट्रा, कन्वेयर्स, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और वेरिएबल स्पीड चाहिए। डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर अगेन इनके कैरेक्टरिस्टिक समवॉट शंट मोटर के सिमिलर होते हैं। लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका और नियर अबाउट कॉन्स्टेंट स्पीड होती है इनकी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम है, बट दीज आर रेयरली यूज्ड। नेक्स्ट लेते हैं हम एसी मोटर्स। एसी मोटर्स में सबसे पहले लेंगे हम थ्री फेज मोटर्स। थ्री फेज मोटर्स के अंदर सबसे पहले है सिंक्रोनस मोटर या प्लेन सिंक्रोनस मोटर हम कह सकते हैं। इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने मशीन्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि स्पीड जो है इसकी कांस्टेंट रहती है डिफरेंट लोड्स, नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क है इसमें और स्पीड कंट्रोल जो है इसमें ज़रूरत नहीं है। कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग ओवर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर, दोनों तरह के पावर फैक्टर पे ये वर्क कर सकती है, लैगिंग एज वेल एज लीडिंग। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका मीडियम है, रिलेटिव कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है 2x है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर्स। तो ये जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए। यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशंस दिए गए हैं कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए, अमोनिया एंड एयर कंप्रेसर, मोटर जनरेटर सेट एट्सेट्रा में, रोलिंग मिल्स में, मीडियम एंड लार्ज ड्राइव्स इन पेपर मिल्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। इनको हम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी पावर सिस्टम में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर अगेन कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है और इसका टॉर्क जो है एज़ कम्पेयर टू प्लेन सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है, रिलेटिव कॉस्ट 2x है। तो दीज आर जनरली यूज जहाँ पे
लोड टॉर्क फेयरली कॉन्स्टेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज फैंस, कंप्रेसर्स, लाइन शाफ्ट, पंप्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो तरह की है, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर. तो सबसे पहले लेते हैं हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्पीड इसकी कांस्टेंट है, पुअर स्टार्टिंग टॉर्क है, तो जहाँ पे हमें लो या मीडियम पावर चाहिए वहाँ पे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स को काम में लेते हैं. प्लस इसका और कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई हैं, हाई ओवरलोड कैपेसिटी है, सिंपल स्टार्टिंग अरेंजमेंट है, स्पीड कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल, पावर फैक्टर ये 0.75 से 0.9 की रेंज में वर्क करता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है, और रिलेटिव कॉस्ट भी इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर मशीन्स इसकी रिलेटिव कॉस्ट कम होती है. तो दीज आर जनरली यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम पावर ड्राइव्स वेयर स्पीड कंट्रोल इज़ नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल वाटर पम्प्स, ट्यूब वेल्स, लेथ्स, ड्रिल्स, लाइन शाफ्ट, सर्कुलर स्वॉज, ग्राइंडर्स, पॉलिशर्स, ब्लोअर्स, फैंस एट्सेट्रा, वॉशिंग मशीन्स एट्सेट्रा. जहाँ पे हमें मीडियम या लो पावर चाहिए वहाँ पे हम स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर को काम में लेते हैं. नेक्स्ट इज डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई और नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर होती है ये, और हाई इसकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी होती है, और स्पीड कंट्रोल इसका पॉसिबल नहीं है. अगेन पावर फैक्टर रेंज इसकी 0.75 से 0.9 है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, रिलेटिव कॉस्ट 1.5 टाइम्स है. तो ये जनरली जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को काम में लेते हैं. यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशंस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर्स, पम्प्स, लार्ज रेफ्रिजरेटर्स, बोरिंग मिल्स, वुड वर्किंग इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, क्रेन्स, पंचेस एट्सेट्रा. मल्टीपल स्पीड मोटर. मल्टीपल स्पीड मोटर में हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होती हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इनका पुअर होता है, पावर फैक्टर अगेन 0.75 से 0.9 की रेंज में ये काम करती हैं, और जहाँ पे कंटिन्यूसली एडजस्टिंग स्पीड पे हमें काम लेना है और लो पावर पे वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वेंटिलेटिंग फैंस, कन्वेयर्स, मशीन टूल्स, एलिवेटर ट्रैक्शन एट्सेट्रा. ठीक है ना. नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो है स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर. अगेन ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कंट्रोल जो है 50 से 75% की रेंज में अवेलेबल है इसका. ओवरलोड कैपेसिटी हाई है इसकी, एफिशिएंसी कम होती है, पावर फैक्टर 0.75 से 0.9 लैगिंग पे ये काम करती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, रिलेटिव कॉस्ट जो है 1.5 टाइम्स होता है इसका. जहाँ पे हमें हाई पावर चाहिए, जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइन शाफ्ट्स, लिफ्ट्स, पंप्स, जनरेटर्स, वाइंडिंग मशीन्स, ऑक्सिलरी फैंस, स्मोक एग्जॉस्टर्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, एलिवेटर्स, कंप्रेसर्स एट्सेट्रा. जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को काम में लेते हैं. नेक्स्ट इज कम्यूटेटर मोटर्स. कम्यूटेटर मोटर्स के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सीरीज मोटर के सिमिलर होते हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है इसका, पावर फैक्टर जो है इसका 0.9 से 1 है, और स्पीड कंट्रोल ओवर फुल रेंज है इसकी, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, रिलेटिव कॉस्ट 2 to 3 टाइम्स है. ये जनरली हम वहाँ पे काम में लेते हैं फॉर ड्राइव्स वेयर लोड इंक्रीजेज विद स्पीड, सच एज फैंस, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, कंप्रेसर्स, और वेयर लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड सच एज हॉइस्ट वर्क एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज सैकरेज मोटर. सैकरेज मोटर जो है नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है, और स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है, पावर फैक्टर 0.7 से 0.1 की रेंज का है इसका, और स्पीड कंट्रोल रेंज भी स्पीड कंट्रोल भी इससे पॉसिबल है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई है, और रिलेटिव कॉस्ट इसका 3 to 4 टाइम्स एज कम्पेयर टू अदर मोटर्स है. ये जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एडजस्टेबल स्पीड या वेरिंग स्पीड चाहिए लोड्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल पेपर मेकिंग मशीन्स के लिए, प्रिंटिंग प्रेसेस के लिए, कैलेंडर्स के लिए, टेक्सटाइल वर्क्स के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लिफ्ट्स, पम्प्स, मशीन टूल्स, बेल्ट कन्वेयर्स एट्सेट्रा, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है. नेक्स्ट इज सिंगल फेज मोटर्स. सिंगल फेज मोटर्स में सबसे पहले लेते हैं हम सिंक्रोनस मोटर.
सिंक्रोनस मोटर का जो है स्पीड कंट्रोल इससे पॉसिबल नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका मीडियम है। रिलेटिव कॉस्ट 2.5 टाइम्स है। ये जनरली जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे है, और जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड विद लो टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिप्रोड्यूसिंग एपरेटर्स, टेली प्रिंटर्स एट्सेट्रा, जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड एंड लो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज कम्यूटेटर मोटर। इनका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, प्लस स्पीड जो है इन्वर्सली वेरी करती है एज करंट एंड पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 पे ये वर्क करते हैं। रिलेटिव कॉस्ट इसका 2.5 टाइम्स है अदर मोटर्स के कंपैरिजन में। ये जनरली स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस को वर्क करने के, स्मॉल साइज डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर काम में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, और लार्ज साइज इक्विपमेंट्स में इन्हें हम ट्रैक्शन वर्क में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है हाई होता है, स्पीड इसकी कम लोड पे हाई होती है, और स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है इसका। पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 पे लैगिंग पे ये वर्क करती है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। रिलेटिव कॉस्ट 2.5 टाइम्स है इसका। जनरली जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क और एडजस्टेबल बट कांस्टेंट स्पीड चाहिए हमें, जैसे फॉर कॉइल वाइंडिंग मशीन्स में, वहाँ पे हम रिपल्शन मोटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज रिपल्शन इंडक्शन मोटर। अगेन ये कांस्टेंट स्पीड मशीन है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। पावर फैक्टर जिस पे ये ऑपरेट करती है 0.85 से 0.9 लैगिंग है। स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है इसका। मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है एंड रिलेटिव कॉस्ट जो है ट्वाइस एज कम्पेयर टू अदर मोटर्स है। ये जनरली एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए विद कांस्टेंट स्पीड, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कंप्रेसर्स, लिफ्ट्स एट्सेट्रा, वहाँ पे हम रिपल्शन इंडक्शन मोटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटर जो है वो है इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट टाइप ऑफ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट टाइप। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, कांस्टेंट रनिंग स्पीड है। पावर फैक्टर जिस पे ये ऑपरेट करती है वो है 0.7 से 0.9 लैगिंग। स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है इसका। मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और रिलेटिव कॉस्ट 1.5 टाइम्स है। तो ये जनरली हम जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए हमें उस तरह के एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा। फिर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर्स। इनका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, एफिशिएंसी हाई है, 0.9 से 1 पावर फैक्टर लैगिंग पे ऑपरेट करती है। मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है इनका। तो ये जनरली ऑपरेशंस जहाँ पे फॉर दीज आर जनरली यूज फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग क्वाइट ऑपरेटिंग मोटर एंड रिप्लेसिंग रिपल्शन स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट है रिपल्शन स्टार्ट मोटर। इनका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, कांस्टेंट रनिंग स्पीड है, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, 0.8 से 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर पे ये वर्क करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है। रिलेटिव कॉस्ट ट्वाइस होता है। ये जनरली रेफ्रिजरेटर्स, कंप्रेसर्स और अदर ड्राइव्स जिनका इनर्शिया हाई है वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वेरियस इलेक्ट्रिक मोटर्स को हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किस तरह से, क्या क्राइटेरिया है इनको, हमें किसी भी पर्टिकुलर मोटर को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करने के लिए। तो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करते हुए हमने जो पहले पाँच या छः क्राइटेरिया देखे कि इनका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होना चाहिए, इसके स्पीड कंट्रोल रेंज हमें पता होनी चाहिए, पावर फैक्टर किस पे ये ऑपरेट करता है ये पता होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग करंट हमें पता होना चाहिए, प्लस इसका इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस क्राइटेरियाज हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, उस पर्टिकुलर मोटर को सिलेक्ट करते हैं।